Assalamu alaikum dear students, I am Anshuman Shafiq, your biology teacher for MDCAT and today I am going to discuss the structural classification of neurons. So let's move on. Dear students, the types of neurons on basis of structure और polarity. इससे प्रीवियसली हमने जो क्लासिफिकेशन की वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन थी तो फंक्शन के भी हाँ के ऊपर तीन तरह के न्यूरॉन हमने डिस्कस किए सेल्सी न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स जिनको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरो लेकिन स्ट्रक्चर और polarity की पोलैरिटी के बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन मौजूद है तो उसके भी हाफ के ऊपर जनरली तो तीन तरह के हैं यूनिपोलर बाईपोलर एंड मल्टीपोलर लेकिन उसमें एक ऐसा न्यूरॉन भी है जो कि आ, बेसिकली लगता तो यूनिपोलर है लेकिन इट इज़ नॉट ट्रूली आ यूनिपोलर तो उसको हम सूडो यूनिपोलर भी कहते हैं सो लेट्स हैव अ लुक अपॉन देम सो दिस इज थ्रू यूनिपोलर सेल यूनिपोलर न्यूरोन इस्तेमाल इन शीथ ओवर हेयर तो इस तरह के जो न्यूरॉन्स हैं, डेयर स्टूडेंट्स दे आर वेरी रेयर वर्टिब्रेड्स में तो बहुत रेयर है इन वर्टिब्रेड्स में ये मौजूद हैं लेकिन वर्टिब्रेड्स में बहुत ही रेयर होते हैं सो दिस इज द सेल बॉडी एंड दिस इज एग्जोन एंड दिस आर द ब्रश लाइक डेंड्राइट्स। सो दिस आर डेंड्राइट्स। इस तरह का जो न्यूरॉन हो जिसमें सेल बॉडी से एक ही फाइबर हो वन प्रोसेस फ्रॉम द सेल बॉडी जो कि आम तौर पर एग्जॉन होता है और उसके आगे जा कर के वो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो ब्रश की तरह के मिलते हैं सो so, इस तरह का जो न्यूरॉन हो उसे कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन दिस इज एक्चुअली अ ट्रू यूनिपोलर न्यूरॉन और बहुत रेयर रे हैं बहुत रेयर हैं इनवर्टिबलेट्स इसकी एग्जाम्पल ह्यूमंस में एक सेल है विच इज यूजली प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल द यूनिपोलर ब्रश सेल इन सेबरल कॉर्टेक्स क्लियर इट इस ट्रू शूनिपोलर न्यूरोन लेकिन एक न्यूरोन जो हमने पढ़ा तो सेंसिंग न्यूरो हैं अब देखो उसकी सेल बॉडी जो है साइड पे है जिस तरह साइड पर और उससे एक प्रोसेस निकलता है ठीक है और वो एक प्रोसेस आगे दो में डिवाइड हो जाता है इस तरह से दिस काइंड ऑफ न्यूरोन जहां पर इसके वो रिसेप्टर सेल्स से हैं उसके साथ से अटैच है निजल ग्रैन्यूल्स एंड सेल बॉडी एंड ओवर हेयर इस मालिनेशन सो दिस इज एक्चुअली आ सूडो यूनिवर्स दिखने में एक जैसा हमने बात की थी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं आ, वो उनका एक ही प्रोसेस जो है वो स्ट्रक्चरली एक ही प्रोसेस है देखें तो ये लग एक ही रह लेकिन स्ट्रक्चरली लेकिन फंक्शन के एतबार से देखें तो ये वाला चूंकि रिसेप्टर से सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेकर के आ रहा है इसको हमने नाम दिया पेरीफ्रल ब्रांच का और ये ज, ये वाला हिस्सा ये सेल बॉडी से टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड आगे क्या है स्पाइनल कॉर्ड है ये उसकी तरफ मैसेज लेकर के जा रहा है तो ये वाली ब्रांच कहलाती है सेंट्रल ब्रांच क्लियर इस सेंट्रल ब्रांच को हमने एक्चुअली फंक्शन के अतबार से देखे तो चूंकि सेल बॉडी से अवे लेकर जा रहा है मैसेज दिस इज अ सेल बॉडी अवे लेकर जा रहा है तो उसको हमने नाम दिया था एक्सॉन का और ये चूंकि चु, वहाँ से मैसेज लेकर के आ रहा है रिसेप्टर से सो दिस इज रिसेप्टर तो यहाँ से मैसेज लेकर के आ रहा है तो इसका हमने नाम दिया था डेंड का आपको बताया था कि एक सिंगल फाइबर हो एक ही सिंगल फाइबर जो सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेकर के आ रहा हो तो उसे हम कहते हैं डेंड ठीक है और उसके अंदर निजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते बताया था आपको ठीक है इसी तरह से तो ये जो है ये है तो इसकी असल में यहां से दिस इज द एग्जोन हिलक इसे हमने क्या नाम दिया था एग्जोन हिलक जहाँ से ये प्रोसेस निकल रहा है ये साइटोप्लास्मिक या प्रोटोप्लास्मिक प्रोसेस निकल रहा है आगे जाके दो में डिवाइड हो रहा है तो एक ऊपर ब्रांच है एक ये नीचे वाली ब्रांच है नीचे वाली ब्रांच छोटी होती है ऊपर वाली जो ब्रांच है जो पेरीफुलर ब्रांच है वो लंबी होती है क्योंकि वो रिसेप्टर से मैसेज लेकर के आ रही होती है तो इसलिए वो थोड़ी लेंथी होती है जो यहाँ से सेल बॉडी से आगे स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है छोटी सी ब्रांच होती है इसको हम इन रि, रिफ्लेक्स सेक्शन में भी आ, उसको मजीद देख लेंगे क्योंकि ये इमीडिएटली थोड़ा सा बाहर मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड के वहाँ पर इनके जो सेल बॉडीज़ होती हैं डॉर्सल रूट के अंदर वो एग्रीकेट होकर के डॉर्सल रूट गेंगलिया बनाते हैं ठीक है बहुत सारे सेल बॉडीज़ दे फॉर्म द डॉर्सल रूट गेंगलिया क्लियर तो वहां पर ये बनाने में हेल्प करती हैं तो ये फिलहाल तो मैंने एक सिंगल न्यूरॉन बनाया ना सो दिस इज कॉल्ड एज सूडो यूनिपोलर सूडो मीनस फॉल्स दिखने में फॉल्स यानी कि दिखने में एक है लेकिन एक्चुअली इसके दो प्रोसेस हैं सूडो यूनिपोलर या फिर इसको यूनिपोलर भी कह देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर जो आ, हमारे पास आ, आ, जो रिकॉर्ड रे, मौजूद है तो उसमें इसी इसी को ही यूनिपोलर का भी नाम दिया गया है अगर आपको इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन ना आए सिंपली ये पूछा जाए कि ये कौन सा न्यूरो एक एक सिंगल पूछा जाए तो इसी को आप यूनिपोलर भी कह सकते हैं ठीक है तो इसको यूनिपोलर भी कह सकते हैं इसको सूडी सूडो यूनिपोलर भी कह सकते हैं ठीक है और इसकी एग्जाम्पल आपके सामने है दैट इज़ अ सेंसरी न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं दे आर सूडो यूनिपोलर या फिर सिंपल आप कह सकते हैं यूनिपोलर भी कह सकते हैं ठीक है ठीके? तो स्ट्रक्चरली आपको याद है एमसीक्यू मार्क करवाया था लास्ट लेक्चर में कि स्ट्रक्चरली इट लुक्स लाइक एक्सॉन स्ट्रक्चरली इट लुक लाइक्स एक्सॉन याद रखना दो तीस, तीसरी तीसरी कैटेगरी है इसमें दैट आर द सेल बॉडी से बाकायदा तौर पर दो डिस्टिंक्ट जो हैं वो प्रोसेस निकल रहे होते हैं इस तरह से नेचल ग्रैन्यूल्स And myelination, and here are the synaptic knobs. तो सेल बॉडी से बाकायदा तौर पर दो प्रोसेस निकले अलग से डिफरेंस है सेल बॉडी के दरमियान में एक ऊपर प्रोसेस एक नीचे प्रोसेस ठीक है तो ये सेल बॉडी से नीचे की तरफ टूवर्ड द सेल बॉडी की तरफ लेके आ रहा है और ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जा रहा है तो क्या होगा ये दिस इज डेंट राइट आर द डेंट और ये नीचे वाला एग्जॉन और दिस इज सेल बॉडी क्लियर So this kind of neuron, this is the synaptic knob. So this kind of neuron which have a cell body in the center and two processes on in the opposite direction, So this kind of neuron is called as bipolar neuron. This is the bipolar न्यूरॉन और इसके एग्जाम्पल्स हमारी बॉडी में तीन जगह पे मिलती हैं फॉर एग्जांपल इन द आई नंबर टू इन दल्फैक्ट्री एपिथिलियम यहां पर नाक के ऊपर ठीक है जहां पर ऑल्फेक्ट्री बल्ब बनता है इसके ऊपर और तीसरी एग्जाम्पल है द वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व कोक्लियर कॉकियर गेंगलिया गेंगलिया ठीक है तो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व याद रखिएगा ये क्रेनियल नर्व है और ये आठवीं क्रेनियल नर्व है इट इज एट क्रेनियल नर्व ठीक है और ऑल्फैक्ट्री नर्व ये हमारे यहां पर ना सेंस ऑफ स्मेल के लिए और रेटिना ऑफ द आई जो हमारे सेंसरी लेयर आंख के अंदर वाले लेयर तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं दे आर कॉल्ड एज द न्यूरॉन्स और तीसरी कैटेगरी जो ट्रूली थ्री सी कैटेगरी लेकिन इस सीक्वेंस में मैं देखा चौथी कैटेगरी है दैट आर द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स तो वो तो आपने देख लिया एक टिपिकल जो मोटर न्यूरॉन है ठीक है so, सो उसमें So, this is a typical motor neuron with so many dendrites and a single axon with a constant diameter, terminal axon. Having synaptic knobs, and over here is the myelination nucleus. Nisyl granules in the cell body as well as in the dendrites, but they are not present in the axon. Neurofibrils, clear? So, pure motor neuron. These are the dendrites, and this is the cell body. एंड दिस इज द एक्सोनियर एक्सॉन टर्मिनल एंड द सानो और इसी तरह से इसकी एक और मिसाल भी सिर्फ इसमें से ये माले नेशन को हटा दें और ये फिर बन जाएगा इंटरन्यूरोन ठीक है या एसोसिएटिव न्यूरोन क्योंकि जो हमारे इंटरन्यूरॉनस हैं आ, उसमें ये वाली जगह के ऊपर इसकी जो एग्जॉन होता है आम तौर पर आम तौर पर ये इसमें अन होता है लेकिन माइलिनेशन उनके अंदर होती है ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन आ, आम तौर पर इस तरह से मौजूद है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपोलर न्यूरोन और मल्टापोलर न्यूरोन अब इनको टेक्निकल टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं एग्जाम्पल इज द मोटो न्यूरोन्स एंड द इंटर और रिले न्यूरोन्स सो दीज आर द्यूरोन्स एंड दी एन एस एंड दीज आर द्यूरो मैसेजेस अवे फ्रॉम द सी एन एस टू द फैक्टर्स सो दीज आर द एग्जाम्पल अब इनको टेक्निकल टर्म में अगर डी होन करें तो यूनिपोलर सेल या जो सूडो यूनिपोलर है टेक्निकल टर्म में हम डिफाइन करने लगे हैं सो वन सेल बॉडी एंड वन प्रोसेस वन प्रोसेस अगर हम uh, बुक्स के टर्म्स में चाहें तो एक ही प्रोसेस है जो कि एक्सॉन है दिस इज अ सिंगल एक्सॉन याद रखिएगा एक्सॉन जो कि डिवाइड होता है विच डिवाइड्स इनटू पेरिफरल ब्रांच एंड द सेंट्रल ब्रांच जो जा के डिवाइड होता है इनटू टू पेरिफ्रल एंड सेंट्रल ब्रांचेस इसको अगर टेक्निकल टर्म में डिफाइन करें आ, इसको बाइपोलर को सो इट इज वन सेल बॉडी वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट एंड वन डेंड्राइट। एक डेंड्राइट, एक एक्सोन और एक सेल बॉडी एक सेल बॉडी से दो प्रोसेस निकल रहे हैं ठीक है यानी कि हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं वन सेल बॉडी टू प्रोसेस वहां पर वन सेल बॉडी वन प्रोसेस और यहां पर मल्टीपोलर न्यूरॉन में वन सेल बॉडी एंड मोर देन टू प्रोसेसेस। लेकिन डियर स्टूडेंट इसमें याद ये रखना है कि मोर देन टू प्रोसेसेस का मतलब है एक्सॉन एक ही होगा एक्सॉन एक होगा डेंड्राइट्स एक से ज्यादा होंगे ठीक है वन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स दे आर मोर देन वन एक से ज्यादा देखो बहुत सारे यानी मल्टीपल तो मोर देन टू प्रोसेस होंगे बहुत सारे प्रोसेस हैं तो एक सेल बॉडी का एक सेल बॉडी और बहुत सारे प्रोसेस तो मल्टीपोलर एक सेल बॉडी और दो प्रोसेस एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन बायपोलर एक सेल बॉडी और एक ही प्रोसेस जो कि दिस इज द यूनिपोलर अब अगर तो वो डिवाइड होकर दो ब्रांचेस बना रहा है लाइक दिस इन द सेंसरी न्यूरॉन्स सो ये सूडो यूनिपोलर और अगर ये प्योरली एक ही ब्रांच बना रहा है सो इट इज़ इससे एक ही ब्रांच निकल रही है तो दैट इज़ अ यूनिपोलर न्यूरॉन जी आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा इफ देर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लेक्चर यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट्स बॉक्स एंड आवर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट विल आंसर यू सोन सो टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंटिल नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज